दोस्तों, लॉकडाउन से संबंधित दो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 14 अप्रैल से ट्रेनें चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। ट्रेन से संबंधित भी काफी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो है लॉकडाउन 14 अप्रैल तक ही रहेगा या फिर इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। पूरी डिटेल से दोनों अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप भी रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं ट्रेन से संबंधित या फिर लॉकडाउन से संबंधित, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब वीडियो देख रहे हैं उसके ठीक नीचे आपके सामने कुछ इस तरह से रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लीजिए। जब उसको दबाएंगे तो उसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आएगा, उसको भी दबा लीजिए, जिससे जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अप टू डेट रहेंगे। आपको पता रहेगा कि क्या लेटेस्ट अपडेट चल रहा है ट्रेन चलने को लेकर और लॉकडाउन से संबंधित। तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, स्टेज के हिसाब से हटेगा लॉकडाउन, ट्रेनें चलेंगी। जिस जिले में एक भी संक्रमित होगा वहां नहीं रुकेगी, कोच में मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। 21 दिन के लॉकडाउन को आज 2 हफ्ते पूरे हो रहे हैं। इसी बीच सरकार में लॉकडाउन से बाहर निकलने के तरीकों पर मंथन शुरू हो चुका है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या फिर आगे बढ़ेगा। सरकार की तैयारी है कि यह जब भी खत्म हो तब लोगों को राहत देने के साथ साथ संक्रमण के खतरे से भी बचाया जाए। एक ड्राफ्ट प्लान में राज्यों को 4 हिस्सों में बांटकर लॉकडाउन खोलने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार जिस जिले में कोई मरीज नहीं होगा वहां लोगों को कुछ शर्तों के साथ जिले के अंदर आवाजाही की इजाजत होगी। कुछ जिलों में रेल और बस के साथ साथ विमान सेवा भी शुरू हो सकती है। रेल सर्विस शुरू होती है तो ट्रेन की मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। ज्यादातर जिलों में स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमाघर, व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान बंद ही रहेंगे। ट्रेनें उन जिलों में नहीं रुकेंगी जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीज होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रेल, बस और विमान यात्रियों के अलावा यहां काम करने वालों के लिए अलग अलग एहतियात बताई गई है। अदालत, कुरियर सर्विस, रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। ट्रेन में मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। प्लेटफॉर्म टिकट महंगा करने का सुझाव है। टीटी इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांच करेगा। ट्रेन में यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर पाउच देने का भी सुझाव है। एयरपोर्ट पर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए बोर्डिंग पास के लिए अलग लाइन होगी। विमान के समय से 3 घंटे पहले यात्री को एयरपोर्ट में जाने की इजाजत नहीं होगी। तो चलिए आप चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है, कब खत्म होगा लॉकडाउन। 7 CM ने कहा लॉकडाउन बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला इस पर अभी फैसला नहीं हुआ, लोग अंदाजा ना लगाएं। दोस्तों, 21 दिन से जारी लॉकडाउन को लेकर एसएमएस की स्थिति बन रही है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को मंगलवार को बताया कि कुछ राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और मोदी सरकार इस पर विचार भी कर रही है। इसके थोड़ी ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इस पर अंदाजा ना लगाया जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने का संकेत दे चुकी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी मोदी सरकार को 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों, लॉकडाउन से संबंधित अपडेट ये है कि अभी तक सरकार की तरफ से ये डिसाइड नहीं हुआ है कि लॉकडाउन जो है आगे बढ़ाया जाएगा या फिर 14 तारीख को खत्म हो जाएगा। अभी तो अपडेट यही है कि 14 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा और जो भी कोई अपडेट आएगा सरकार की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी स्टेट के लिए लॉकडाउन के लिए अपडेट आएगा कि लॉकडाउन खत्म हो गया या फिर आगे बढ़ा दिया गया है, तो हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अगर आप भी रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से, कौन से स्टेट से देख रहे हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।